नमस्कार दोस्तों, देसी किचन चैनल पे जो आज मैं रेसिपी लेके आया हूँ, ये रेसिपी है बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी लिट्टी चोखा। दोस्तों, लिट्टी चोखा और बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी काफ़ी पसंद किया जाने लगा है, क्योंकि इसका स्वाद ही इतना अच्छा होता है। आप देख रहे होंगे इसका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट टाइप का ये बनता है, और अंदर में जो इसके स्टफिंग हम भरते हैं सत्तू से, वो तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। और साथ में चोखे के साथ अगर हम खाएं तो इसका कुछ और ही मज़ा आता है। आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितना सॉफ्ट टाइप का बना है ये, और जो स्टफिंग हमने इसमें डाला है सत्तू का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है इसका ऊपर का पार्ट भी, जो कि खाने में बिल्कुल ही एक बहुत ही अच्छे टाइप का टेस्ट देगा। ये सत्तू भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, और ना ज़्यादा सूखा है ना ज़्यादा गीला है। ये जो स्टफिंग के लिए लिट्टी के लिए होना चाहिए वो है बिल्कुल। आइए मैं बच्चों से रिव्यू दे देता हूँ इसका। बहुत टेस्टी है। बहुत 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 टेस्टी है लिट्टी। बहुत बहुत टेस्टी है लिट्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुधा, देसी किचन चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रेसिपी लेके आई हूँ, वो है बिहार का प्रसिद्ध रेसिपी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सत्तू बनाने के लिए जो हमने सामग्री लिया है, ये 250 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है। 250 ग्राम गेहूं के आटे को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 100 ग्राम मैदा यूज कर रहे हैं। ये 100 ग्राम मैदा को भी आटे के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, ये रिफाइंड ऑयल को भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने अजवाइन लिया है। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे। क्रश करने से क्या होता है कि अच्छे टाइप का फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। साथ ही हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, नमक एज पर टेस्ट ऐड करना है। और ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा भी आधी चम्मच हमें यूज करना है, ज़्यादा इसमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि हमारा लिट्टी जो होगा बिल्कुल खस्ता हो जाएगा, और इसमें हमने रिफाइंड ऑयल भी डाला है। अब इसको हाथों के सहारे बिल्कुल पानी डालने से पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसी टाइप से हाथों के सहारे, दोनों हाथों का यूज करते हुए हम इसको बिल्कुल और परफेक्ट तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो रिफाइंड ऑयल वगैरह जो डालें वो मिक्स हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक ही बार हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते रहेंगे इसमें। इस टाइप से देखिए हल्का हल्का पानी डाल के और हाथों से इसको मिक्स करेंगे, और ये देखिए इसी टाइप से हमें लोच मारना है। आटे को गूंथने में दोस्तों करीब 10 मिनट लगेंगे आपको। इस टाइप से हाथों से थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लगा करके, और इसी टाइप से हम लोच मारते रहेंगे आटे को, ताकि हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए। ये देखिए फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा हाथों में पानी लगाया है और इसको बिल्कुल परफेक्ट गूँथ लिया हमने। ये दोस्तों 10 मिनट लगेंगे करीब इसको गूँथने में, थोड़ी सी मेहनत तो लगी। अब ये आटा गूँथ करके रेडी हो गया हमारा। अब इसको एक ढक्कन से ढक करके 40 से 45 मिनट तक इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे सामग्री लिया, ये हम दोस्तों यहाँ पे हमने 200 ग्राम सत्तू लिया है। दोस्तों सत्तू जो होता है चने का होता है, अगर आपके पास सत्तू अवेलेबल ना हो तो जो चने की दाल होती है उसको आप हल्का सा रोस्ट करके और उसको मिक्सी जार में पीस करके आप सत्तू बना सकते हो, उसको एज ए सत्तू यूज हम कर सकते हैं आप। 200 ग्राम सत्तू के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया हमने, 3 नींबू, 5 हरी मिर्च, और 3 इंच का यहाँ पे अदरक लिया। अदरक को बिल्कुल अच्छे तरीके से छील करके हमने रख लिया है, और अदरक को हम बारीक काट के नहीं बल्कि इसको कद्दूकस करके डालेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है काला नमक और सफ़ेद नमक। अब यहाँ पे देखिए एक बड़े से बर्तन का यूज करना है हमें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें हम सत्तू को डाल दिए, और साथ ही हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 2 जो प्याज थे हमारे पास उसको हमने बारीक काट लिया है। अब जो 5 हरी मिर्च थे उसको भी हमने बारीक काट लिया, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो अदरक था हमारे पास, इस अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है, घिस करके इसमें हमें डालना है। और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे व्हाइट नमक, व्हाइट नमक के बाद काला नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा व्हाइट नमक, दोनों हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये जो 3 नींबू थे हमारे पास उसका रस निकाल करके और इसका बीज वगैरह अलग करके हमने रख लिया, और इस नींबू के रस को हम इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों नींबू के रस डालने से बिल्कुल ही अच्छे टाइप का इसका टेस्ट आता है। इसको डालने के बाद नेक्स्ट जो अब हम यहाँ पे डालेंगे, ये हमारे पास देसी घी है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम स्टफिंग के लिए सत्तू तैयार करते हैं लिट्टी बनाने के लिए, तो उसमें हम देसी घी का ही इस्तेमाल करें।
इससे बिल्कुल परफेक्ट टाइप का एक टेस्ट आएगा। अब जो मैंने आपको बोला था पहले कि एक बड़े से बर्तन का यूज करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक बड़े से बर्तन का यूज किया है। बड़े से बर्तन का यूज हमने इसलिए किया है ताकि इसको बिल्कुल हाथों से बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कर दीजिए आप। और इसका स्टफिंग के लिए जो सत्तू होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट टाइप का होना चाहिए, ना ज़्यादा सूखा हो ना ज़्यादा गीला हो। और इस टाइप से जो हम मैश करेंगे हमारा जो घी नींबू का रस प्याज वगैरह का जो फ्लेवर है वो सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सत्तू में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसी टाइप से आपको मैश करना है, करीब 10 मिनट तक इसको मैश करना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट टाइप का स्टफिंग के लिए तैयार हो जाइए। और आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई है तो आप हल्का सा पानी भी यूज कर सकते हो, बट इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है पानी डालने की। ये देखिए बिल्कुल इसी टाइप से हम मैश करेंगे तो प्याज वगैरह के रस से और घी नींबू के रस से ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। ये अब देखिए हमारा बिल्कुल सत्तू का बन के तैयार हो गया है। अब देखिए जो हमने स्टफिंग के लिए इस्तेमाल किया था वो जो बनाया है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे या आप किसी बर्तन में निकाल लें, इसको सारा निकाल लेंगे ध्यान से। ये देखिए अब मैंने निकाल लिया है, अब इसे लिट्टी में भरेंगे। आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था उसकी वजह से काफी सॉफ्ट हो गया है। अब देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट है। अब इसको गोल गोल करके जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम पे गोल गोल बनाने लें, इसको बिल्कुल लिट्टी की तरह भी बना लेंगे। पर अभी इसको हम भरेंगे नहीं, इसकी सारे आटे को गोल गोल करके रख लेंगे। और बिल्कुल मीडियम साइज होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जो साइज मैंने रखा है बिल्कुल उसी साइज में आपको बनाना है। और अब इसमें जो हम अंदर स्टफिंग भरेंगे इसके, और बिल्कुल ऐसे जैसे हम आलू के पराठे के लिए भरते हैं बिल्कुल इसी तरह हम इसे भर लेंगे। जैसे हम आलू के पराठे में आलू भरते हैं आटे के अंदर, बिल्कुल इसी तरह हम इसको भरेंगे, इसके स्टफिंग को भरेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ताकि फटे ना कहीं से भी, बिल्कुल ध्यान से हमें इसे बनाना है। और अब सारे के सारे देखिए मैंने आपको दो तीन बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह पहले हम इसे पूरी का शेप देंगे फिर इसे भर लेंगे एक कटोरी की तरह। मैंने इसे शेप दिया और इसे भर लिया। और भरने में बिल्कुल भी दोस्तों कंजूसी ना करें, इसे अच्छे से भरें ताकि इसी में तो जो भी फ्लेवर है वो इसी के सत्तू में ही है, इसकी स्टफिंग में ही है। तो इसे अच्छे से भरें, इसमें कोई कंजूसी ना करें, इसे अच्छे से बनाएं। ये देखिए इसे अच्छे से दबा के इसको जो ऊपर से इसे बंद कर देंगे, इसे लॉक कर देंगे ताकि हमारा जो अंदर का स्टफिंग है वो बाहर ना आए। जब इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका तेल गंदा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, फट जाएंगी। इसलिए ध्यान से इसे बनाएं, ना तो आपकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आप अपनी लोहे के हिसाब से देखें और उसके हिसाब से अपनी स्टफिंग भरें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अब इसे बंद कर लेंगे, इसे लॉक कर लेंगे। आप बिल्कुल देख सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। और इसको ऐसे गोल गोल करना है फिर से, जैसे कि हम खस्ता कचौरी को देखते हैं बिल्कुल गोल होती है, बिल्कुल इसी तरह हम इसे भी बनाना है। और ये भी बनने के बाद बिल्कुल खस्ता एकदम अंदर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। और ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 मैंने 13 लिट्टी बना ली है। और इसको देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसको फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम इस टाइम पे बिल ना तो ज्यादा तेज होना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए, बिल्कुल हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि हमें ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी चाहिए। तो ये अगर आप ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये बिल्कुल जल जाएगी और कम पे से पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ठीक से क्रिस्पी भी नहीं होगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पे रखें। और अगर आपको लगे कि आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसे एक किसी भी चीज़ से पलट लें, मैंने यहाँ पर चिमटे का यूज़ किया है, चिमटे से मैं इसे पलट लूँगी। इसे पलट लिया है और एक ही बारी में सारी लिट्टियां ना डालें, आपके पास जितने बर्तन में स्पेस हो आप उसी हिसाब से डालें ताकि सारी लिट्टियां एकदम करारी करारी बने। और अब इसे किसी भी चीज से इसे निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है, इसे पलट लेंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे। ये देखिए इसे अच्छे से पलटेंगे, इसे खस्ता करेंगे, अच्छे से क्रिस्पी करेंगे इसे।
दोस्तों कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, तो प्लीज सॉरी उसके लिए अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। और अब इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए लिट्टी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आया इस पे। और देखिए अभी इसे कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी इसका चोखा बना नहीं है, सिर्फ लिट्टी बनी है। और जो बाकी की जो हम बची हुई थी लिट्टियां उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये पांच थी, पांच बज गई हैं, तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले किए, बिल्कुल सेम उसी तरह हम इन्हें भी फ्राई करेंगे उसी फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पीनेस है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आपको लगेगा कि इस पर बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं। अब बाकी जो बची हुई थी उनको भी हम पलट लेंगे। अब हम इसका चोखा बनाएंगे। चोखा के लिए मैंने लिया है दो बैंगन, दो फ्रेश बैंगन, तीन प्याज, दो टमाटर, दो हरी मिर्च। अब एक बार बैंगन को मंदे से चेक कर लेंगे कि कहीं इसके अंदर कोई कीड़ा ना हो या ये खराब ना हो। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है बैंगन हमारे, और इसमें कोई कीड़ा नहीं है। ये देखिए चीरा लगा लिया मैंने चेक करने के लिए। अब हाथ पे थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे एक चम्मच, और इसे बैंगन पे लगाएंगे अच्छे से ताकि बैंगन थोड़ा जल्दी पक जाए ऑयल लगाने से। और दोनों बैंगन पे हमने ऑयल लगा लिया है। ये देखिए कैसे ये चमक रहे हैं, एकदम शाइनी शाइनी से हो गए हैं। और वैसे ही सेम हम टमाटर को भी चमका लेंगे ऑयल लगा के, अच्छे से इसे कोट कर देंगे ऑयल में, क्योंकि हमने जो हमारे टमाटर है उनको भी बैंगन की तरह भूनना है। अब ये देखिए ये दोस्तों हम इसका चोखा तैयार करेंगे। चोखा के लिए हमने यहाँ पे गैस जला लिया है, और गैस के ऊपर जो है सो बैगन को थोड़ा सा फ्लेम को हम तेज ही रखेंगे, क्योंकि तेज फ्लेम में ही अच्छा पकता है हमारा बैगन। ये देखिए हमने इसको चढ़ा दिया, और बैगन को करीब 10 मिनट पकाने के बाद हम उतार लेंगे एक प्लेट में। और साथ ही जो टोमेटो थे दो हमारे, उसको भी हमें इसी टाइप से पका लेना है, एक चिमटे के सहारे उसको चारों साइड से घुमा करके हम पका लेंगे। ये देखिए इसी टाइप से आपको पकाने, और इसको भी निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे हम। अब नेक्स्ट दूसरे टमाटर को भी हम बिल्कुल अच्छे टाइप से पका लेंगे इसको। ये देखिए इसी टाइप से आपको पकाना है। बैगन को करीब 10 मिनट लगता है, और टमाटर को पकने में 4 से 5 मिनट पक जाता है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बैगन भी पक चुका है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हम इसका क्या करेंगे, ऊपर का छिलका जो है ये निकाल लिया हमने, और उसी टाइप से हमने बैगन के ऊपर का भी जो ब्लैक वाला छिलका था वो निकाला है। यहाँ पे 10 से 12 हमने आलू ले लिया है जो कि बॉईल किया हुआ है, और प्याज को 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे यूज किया है नमक, और ये हमारे पास जीरा पाउडर है। अब यहाँ पे बैगन के जो ऊपर का डंठल होता है इसको हम काट करके अलग कर लेंगे, जो हार्ड पार्ट होता है, और बैगन को खोल करके बिल्कुल अच्छे तरीके से हम देख लेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है इसमें। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब हम इसको चाकू के सहारे इसी टाइप से काट लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हमें इसको काट लेना है, और एक बाउल में निकाल लेंगे हम सबसे पहले बैगन को काट करके। और क्योंकि बैगन हमारा बिल्कुल परफेक्ट पका है तो ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। साथ ही हम जो बॉईल किया हुआ आलू था हमारे पास, इसको भी हम इस टाइप से हाथों से मैश करके, या आप किसी चीज़ से भी मैश कर सकते हैं, मैश करके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसी टाइप से आपको सारे आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसको हाथों से अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। साथ ही जो टोमेटो थे हमारे पास, इसको भी हमने आग में पका लिया था, और छिलका निकाल करके इसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। और पके हुए टमाटर का ना जो टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छे टाइप का टेस्ट आता है इसका। अब सारे को हम बिल्कुल परफेक्ट मिक्स करेंगे। साथ ही जो प्याज बारीक कटा हुआ था हमारे पास उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हरी मिर्च को भी हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही हम नमक डालेंगे इसमें। नमक डालने के बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से।
ये देखिए इसी टाइप से हमें इसको मिक्स करना है। आप मैसर का भी यूज कर सकते हो, उसे अगर हाथ आपका साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान तो रखेंगे ही। इसके बाद इसमें चोखे में जो है हमें सरसों तेल ही यूज करना है। ये देखिए 2 बड़े चम्मच हमने सरसों तेल यूज किया है, और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद फिर से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से मिक्स कर देंगे, और ये चोखा देखिए लिट्टी का चोखा बन के हमारा। दोस्तों ये 3 स्टेप में होता है, पहले हम आटा लगा लेंगे, सेकेंड स्टफिंग के लिए सत्तू तैयार कर लेंगे, और थर्ड हम इसके लिए चोखा तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट टाइप का चोखा बन के रेडी हो चुका है। इसमें आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, वैसे में हमने यहाँ पे नहीं डाला है, वैसे आप डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चोखा बन चुका है। जब तक हम चोखा बना रहे थे तब तक ये सेकेंड जो लिट्टी हमने चढ़ाया था वो भी बिल्कुल पक कर के रेडी हो गई है। बिल्कुल देखिए अच्छे टाइप का कलर आ गया है इसका, और बिल्कुल ही खास्ता बना है दोस्तों ये। जब जैसे कि मैंने शुरू में ही दिखा दिया था आपको, बिल्कुल तोड़ोगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही यम्मी टाइप का टेस्ट है इसका। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी लिट्टी बनकर के रेडी हो चुकी है। ये देखिए दिखने में इतना अच्छा और बिल्कुल ही खास्ता स्वादिष्ट टाइप की लिट्टी है ये। और ये देखिए लिट्टी के चोखे के साथ लिट्टी खाने का कुछ और ही मजा है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत टेस्टी बनाया लिट्टी जो था, बहुत टेस्टी।